हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हम सबकी फेवरेट दाल, दाल मखनी। तो अगर आपके फ्रेंड या फैमिली में जिस किसी को भी दाल मखनी पसंद है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 टेबल स्पून बटर, 250 ग्राम काली साबुत उड़द दाल, हमने दाल को ओवरनाइट सोक किया है। 6 मीडियम साइज के टमाटर, हम टमाटर की प्योरी बनाएंगे। अगर आप चाहते हो अच्छा लाल कलर आए तो आप बाजार की प्योरी यूज़ कर सकते हैं। प्योरी 2 कप प्योरी लेनी पड़ेगी। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 5 टेबलस्पून देसी घी, 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबलस्पून घर की क्रीम, 750 ml दूध, हाफ कप लहसुन का पानी। हम लेंगे कुकर और कुकर में हम डाल देंगे दाल। अब हम डालेंगे इसमें पानी, हमने करीबन 750 ml पानी डाला है। और दाल को हम पकाएंगे। जैसे कि देख सकते हो ये दाल के ऊपर जो वाइट वाइट है, वो कचरा होता है, वो हम निकाल लेंगे और इसे हम डस्टबिन में डाल देंगे। कचरा निकालने के बाद हम अब इसमें डालेंगे पानी लहसुन वाला और इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और स्लो फ्लेम पे 5 सीटी बजने का वेट करेंगे। जैसे कि कुकर ठंडा हो चुका है और 5 सीटी बज चुकी है, तो अब हम ढक्कन खोल लेंगे और गैस को फिर से ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और इसे हम पकाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी दाल मखनी बनने के प्रोसेस में है और साथ ही साथ हम साइड पे टोमेटो प्यूरी बना लेंगे। हम लेंगे एक मिक्सी जार और उसमें हम डाल देंगे टमाटर और इसकी हम फाइन प्योरी बनाएंगे। हमारी प्योरी बन चुकी है। हम ढक्कन हटा लेंगे। देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। हम लेंगे एक पैन और गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे और डालेंगे हम 3 चम्मच देसी घी। अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे कि हमारे अदरक लहसुन अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्योरी, और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। टोमेटो प्यूरी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे डाल देंगे दाल में। अब हम दाल के अंदर डाल देंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने पकाई थी। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 2 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बटर, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हम अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें नमक होता है। अब हम इसे मिला लेंगे। हम एक तड़का और बना लेंगे, तब तक हम इसे साइड में पकने देंगे। हम लेंगे एक पैन, उसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें हम डाल देंगे पानी ताकि हमारी मिर्च जले नहीं, और अच्छे से हम एक बार मिला लेंगे। और ये तड़के को हम डाल देंगे दाल में। अब हम डालेंगे तड़का दाल के अंदर। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच बटर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर से हम 2 मिनट के बाद बटर डाल देंगे। 2 मिनट हो चुकी है। अब हम फिर से 2 चम्मच बटर डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे करीबन 10 से 12 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे ही, और हर 1 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से नीचे से मिला लेंगे। जैसे कि 12 मिनट हो चुकी है, हमारी दाल एकदम थिक हो चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और दाल को निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम दाल को गार्निश करेंगे 1 चम्मच बटर के साथ, और अब हम इसे गार्निश करेंगे क्रीम के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।